हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ 10 मिनट में एकदम आसान तरीके से भुना सोया मसाला सब्जी बनाएंगे और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं भुना सोया चंक्स मसाला सब्जी। 1.5 कप सोया चंक्स को उबलते हुए पानी में 1 टीस्पून नमक डाल के 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। आप देख सकते हैं अच्छे से भीग गया है। अगर आपके पास भिगोने का टाइम नहीं है तो आप उबलते हुए पानी में नमक डाल के इसे 5 से 7 मिनट तक उबाल के ले सकते हैं। इसे हम छन्नी में डाल के इसका सारा पानी निकाल लेते हैं। पानी मैंने सारा निकाल दिया है। इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। इसे हांडी में ले लेंगे, ठंडा पानी डालेंगे। इस तरह से पानी डाल के इसे 2 बार अच्छे से निचोड़ के निकाल लेते हैं, क्योंकि सोया चंक्स में अलग टाइप का टेस्ट रहता है। इसमें से सारा पानी निचोड़ के निकाल दिया है। बहुत ज्यादा बड़ी साइज का हो इसे हम कैची से इस तरह से 2 पीस में काट लेंगे। अगर आपको बड़ा पीस रखना है तो बड़ा भी आप रख सकते हैं। इस तरह से थोड़ा छोटा पीस कर देंगे तो मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब होगा अंदर। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो रहा है तभी हम इसमें 1 स्टिक दालचीनी, 2 इलायची ली है, इसे मैंने ऊपर से खोल दिया है, 1/2 टीस्पून शाही जीरा, फ्यू सेकंड जीरा को मैंने भून लिया है, 1 टेबलस्पून बारीक चॉप लहसुन, 1 टेबलस्पून बारीक चॉप अदरक। मीडियम फ्लेम पे इसे लाइटली भून लेते हैं। 3 मीडियम साइज का प्याज, जिसकी मैंने लंबी और पतली स्लाइस की है, ये डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे भून लेते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज को गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक लगातार चला के मैंने इसे भुना है। प्याज जलना नहीं चाहिए, इसका इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। प्याज अगर जल जाएगा तो ये कड़वा हो जाएगा और सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। प्याज एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर लेंगे। अभी हम इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची की पेस्ट डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्ची को 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा था और फिर इसे मिक्सर जार में डाल के पेस्ट बनाई है। अगर आपके पास ये कश्मीरी लाल मिर्ची की पेस्ट नहीं है तो आप 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। इसमें 1/2 टेबलस्पून मैं और डाल रही हूँ। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, 3 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, धीमी आंच पे मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाला भून लिया है। 2 मीडियम साइज का टमाटर रफली चॉप करके लिया है। 2 कप पानी को एकदम तेज गरम किया है, ये डाल देंगे। तेज आंच पे इसे कुक करेंगे। ग्रेवी को तेज आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए उबाल लिया है। सोया चंक्स डाल देंगे। 2 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मिक्स कर देते हैं। ढक्कन लगा के मीडियम टू तेज आंच पे एकदम ड्राई हो जाए तब तक इसे कुक करना है। तेज आंच पे 3 से 4 मिनट कुक किया है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी सूख गया है। अभी हम इसे खुला ही पकाएंगे। टमाटर को इस तरह से हम मैश करते जाएंगे। थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लाने के लिए 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। डार्क सोया सॉस लिया है, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून टमेटो केचप डालेंगे। 2 हरी मिर्ची को लंबा काट के लिया है, 8 से 10 करी पत्ता, 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया, आप देख सकते हैं सब्जी को मैंने एकदम से ड्राई किया है। ये सब्जी इस तरह से एकदम ड्राई करेंगे तभी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। गैस ऑफ कर देंगे। भुना सोया मसाला रेडी है। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये जीरा राइस के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगेगा।
एकदम टेस्टी और चटपटी भुना सोया मसाला सब्जी रेडी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।